हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फी, साथ में हम कैश्यू और मावा भी डालेंगे। तो मेरे पास दो आम हैं, इनको हम पीसेस में काट लेंगे। ये आम मैंने टुकड़े कर लिए हैं, आम के छोटे छोटे। और साथ में हमने काजू लिए हैं, इनका हम पाउडर कर लेंगे मिक्सर में चला करके। इस तरह से हमने काजू का पाउडर कर लिया है। ये 10 से 15 काजू हमने लिए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। और ये फुल फैट दूध है हमारा, बफेलो मिल्क, इसको हम बॉईल करने रखेंगे। भारी तले वाली कढ़ाई में दूध हमने डाल दिया है और हमें ध्यान रखना है, ये फुल फैट है तो ये जल्दी से ही जल जाता है, इसलिए हमें इसे लगातार चलाना है। और जब तक कि ये आधा ना रह जाए तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। अभी मैं आम के पल्प को पीस लूँगी मिक्सर में चला करके। एक कटोरी के करीब पल्प आ गया है और आम हमारा मीठा होना चाहिए तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। दूध को लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे और साइड से हम इस दूध को इस तरह से छुटाते जाएंगे जिससे ये मलाई जले नहीं। और दूध हमारा लगभग आधा हो गया है और इसमें अभी हम डाल देंगे कैश्यू पाउडर और इसको भी हम लगातार चलाएंगे। इससे बहुत जल्दी दूध गाढ़ा होता है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें, ये है मावा हमारे पास एक कटोरी, ये भी हम डाल देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं और आप इसमें मावा की जगह पर दूध पाउडर भी डाल सकते हैं आधा कटोरी, तो आपका दूध अच्छा गाढ़ा हो जाएगा और आप इस तरह से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो दूध हमारा गाढ़ा होता जा रहा है और हम इसको लगातार चलाते जा रहे हैं और इसमें ये दाना जो आ रहा है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है कुल्फी में। ये इस तरह से दाना दाना आ रहा है। अभी हम इसको 5 मिनट और बॉईल कर लेंगे। दूध अच्छा थिक हो गया है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद 2 मिनट और पका लेते हैं। उसके बाद इसे हम अच्छा ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद ही हम इसमें आम का पल्प मिलाएंगे। दूध हमारा ठंडा हो गया है, इसे हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रीजर में नहीं, हमने फ्रिज में रखा था। ये देखिए आप, इतनी अच्छा गाढ़ा हो गया है और ये पल्प भी हमारा ठंडा हो गया। दोनों चीज़ें रख दी थी, हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको एक बार मिक्सर में चैन कर लेंगे। मिक्सर में से हमने निकाल लिया है, ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है। हम इसको मोल्ड में भर लेंगे। हमने ये कॉफ़ी के कप लिए हैं, आप चाहें तो किसी भी मोल्ड में भर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी जमा सकते हैं। इस तरह से हम सभी मोल्ड फुल कर लेंगे। हम मोल्ड के ऊपर इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे जिससे बर्फ ना जमे कुल्फी के अंदर। और 6 से 8 घंटे के लिए हम डीप फ्रीजर में रख देंगे। हर तरह की कुल्फी इसी तरह से ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छी जमकर तैयार हो जाती है। सभी के अंदर हम आइसक्रीम की चम्मच लगा देंगे। अब रख देते हैं ओवरनाइट के लिए आइसक्रीम जमने के लिए, फिर निकाल कर देखेंगे कल सुबह। क्रीम हमारी तैयार हो गई है। हम एक बाउल में पानी ले लेते हैं और इस तरह से आइसक्रीम को थोड़ा सा हम भिगोएंगे और निकाल लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आइसक्रीम जमकर बाहर आई है, बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनी है हमारी। इस तरह से हमको जितनी आइसक्रीम खाना है हम उतनी निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। हम इसको काजू से गार्निश कर लेंगे।
वाओ मैंगो आइसक्रीम तैयार है। आम का सीजन है, इस तरह से आइसक्रीम बनाकर आप ज़रूर खाइए। अगर इस सीज़न में ये आइसक्रीम नहीं बनाई तो बाद में नहीं मिलने वाली, इसलिए आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बिल्कुल आपकी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ।